चलो फ्रेंड्स, आपको एकदम सस्ते में बनाना सिखाता हूँ ये देसी जुगाड़ वाली मैग्नेटिक नियॉन लाइट्स। ओह मतलब गजब। देखो भाइयों, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इन्हें मैं नियॉन लाइट्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जुगाड़ करके इन्हें करीब करीब नियॉन जैसे बनाया है। अगर आप थोड़े और पैसे खर्च करोगे तो नियॉन एलईडी लाइट्स भी आप यूज कर सकते हो। तो जो लोग कमेंट्स में ये बोलने वाले होंगे कि यार ये तो फेक है, ये नियॉन नहीं है, उल्लू बना रहा है, उन सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज हमें लगेगी एलईडी स्ट्रिप लाइट्स। तो मैं इन लाइट्स को 15 सेंटीमीटर पर कट करने वाला हूँ कम्प्लीटली। ये आपकी चॉइस है कि आपको कितने सेंटीमीटर पर ये वायर्स कट करनी है। कट उसी जगह पर करना जहाँ पर कैची का निशान लगा हो। तो यहाँ पर टोटल मैंने 9 स्ट्रिप लाइट्स ली हैं। आपके अकॉर्डिंग कितने भी ले सकते हो, आप आरजीबी लाइट्स भी यूज कर सकते हो। ये लाइट्स मैंने 40 रुपए मीटर खरीदी है। तो टोटल 4 कलर की लाइट्स यहाँ पर मैंने ली है। अभी सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें इसके एक साइड के पॉजिटिव नेगेटिव में से सिर्फ पॉजिटिव को सोल्डर करना है और दूसरे साइड के पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव को सोल्डर करना है। उसका एक रीजन है जो हमें बाद में पता चलेगा। तो टोटल 9 की 9 लाइट्स को हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। याद रखना, एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड नेगेटिव। अभी दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है केसिंग एंड कैपिंग। ये हार्डवेयर स्टोर में आपको 50-60 रुपए का 6 फीट का मिल जाएगा। ये बहुत ही नैरो वाला है। तो मैं इनके साथ भी क्या करने वाला हूँ, 15 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाकर इनके पीसेस कट करने वाला हूँ, वो भी टोटल 9। ये होने के बाद दोस्तों सोल्डरिंग आयरन से मैं क्या करूंगा, इन केसिंग में दोनों साइड पर ऐसे होल्स बना दूंगा। अमेजिंग। अब दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाला हूँ नियोडिमियम मैग्नेट्स का। ये जो मैग्नेट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं वो 19 रुपए का एक है। आप कोई भी शेप का ले सकते हो, या अगर आपको घर पर ही चाहिए तो अगर आपके पास कोई BLDC मोटर होगी तो उसमें से भी आप निकाल सकते हो, उनमें भी ये मैग्नेट्स होते हैं। ये मैग्नेट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है। अभी 9 लाइट्स के लिए टोटल कितने मैग्नेट्स लगेंगे, नहीं कैलकुलेटर मत यूज करो, हमें लगेंगे 18 मैग्नेट्स। अब इन मैग्नेट्स को क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक साइड पर सोल्डर करना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आराम से करना पड़ेगा क्योंकि इनके सरफेस पर सोल्डर करना इतना इजी नहीं होता। तो आपको थोड़ी देर रखनी पड़ेगी आपकी सोल्डरिंग आयरन इसके ऊपर, तब जाके ये प्रॉपरली सोल्डर होगा। अभी हमें दोस्तों वायर्स लेनी है क्योंकि अभी जो हमने मैग्नेट पर सोल्डर किया है उन पर वायर भी तो लगानी होगी। तो यहाँ पर मैं वायर्स के 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े कट करने वाला हूँ और 18 मैग्नेट्स के लिए हमें लगेंगी टोटल 18 वायर्स। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की और ब्राउन कलर की वायर यूज की है। बाय द वे, ये मैंने सर्वो एक्सटेंशन केबल से निकाली है। तो अभी इन्हें उन मैग्नेट्स के साइड पर हमें सोल्डर करना है जहाँ पर हमने मैग्नेट के ऊपर सोल्डर किया था। तो चलो लगा देते हैं। इसे भी बड़े आराम से लगाना है क्योंकि आपकी जो वायर है वो खड़ी होनी चाहिए। वैसे ये तो मेरा स्टाइल है, आप आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फाइनली फ्रेंड्स, हमने सबको वायर के साथ लगा दिया है। अभी मैं लेने वाला हूँ केसिंग और फेविक्विक से इन मैग्नेट्स और वायर्स को इसके होल के अंदर जो हमने किया था ना लगाने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है। नौ के नौ केसिंग को हम ये कर देते हैं। ओह, ये तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट हो गया। एलईडी स्ट्रिप लाइट्स अभी हमें लेनी है जो हमने 15-15 सेंटीमीटर पर काट के रखी थी और उन्हें इस केसिंग के अंदर चिपका देना है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जहाँ पर हमने पॉजिटिव सोल्डर किया है वो साइड होनी चाहिए रेड वायर के साइड में और नेगेटिव सोल्डर साइड ब्राउन वायर के पास। बस ये ध्यान में रख के हम 9 की 9 लाइट्स लगा देते हैं 9 के 9 केसिंग के अंदर। एलईडी स्ट्रिप के पीछे का कवर हमें निकाल के उसे चिपका देना है।
अभी दोस्तों हमें वायर्स को ऐसे फोल्ड करके रेड वाली को पॉजिटिव को लगा देना है और दूसरे साइड के ब्राउन वाले को नेगेटिव पर लगा देना है। पहली वाली ध्यान से देखो क्योंकि दूसरी वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड से होने वाली है। फाइनली फ्रेंड्स ये तो हो गया है। अभी फ्रेंड्स कैपिंग ऊपर से लगा देते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स सारी केसिंग एंड कैपिंग लगाने के बाद हमें इनके दोनों साइड पर हॉट ग्लू डालना है। वैसे पूरी केसिंग नहीं भरनी है हमें, सिर्फ एंड्स पर हमें हॉट ग्लू लगा देना है ताकि ये वायर्स इनके एलईडी से अलग ना हो और थोड़ा सा सील एंड भी बन जाए। कम्प्लीटेड फ्रेंड्स, एलईडी का काम तो हो गया है। अभी मैंने हार्डवेयर से ही दो सॉ ब्लेड लिए थे, ये थोड़े पतले वाले हैं, मींस नैरो वाले, ये 5-5 रुपए के मिल गए। इसके ऊपर का ऑयल पेंट निकाल दिया है तो अभी ये मेटल एक्सपोज हो गया है। मैं इसके ऊपर इसके एंड पॉइंट को सोल्डर करने वाला हूँ। इन्हें भी आपको ध्यान से सोल्डर करना पड़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि ये इजीली सोल्डर नहीं होते हैं। अब दोनों सॉ ब्लेड की जो एंड पॉइंट्स को हमने सोल्डर किया है उसमें मैं एक को लगाऊंगा रेड वायर और दूसरे को लगाऊंगा ब्राउन वायर क्योंकि हमने एलईडीज में भी रेड और ब्राउन ही यूज किया है। ये होने के बाद दोस्तों मैं ये जो सॉ ब्लेड की दूसरी साइड है उनके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा दूंगा सो दैट आई कैन स्टिक इट ऑन सरफेस। अभी दोस्तों पावर सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर अडाप्टर यूज किया है तो मैं उसकी ही फीमेल अडाप्टर यूज करने वाला हूँ इन सॉ ब्लेड की वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। अब आपके अकॉर्डिंग जैसा पावर सप्लाई यूज करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, जैसे कनेक्शंस देना चाहते हो वैसे कर सकते हो। अब यूएसबी भी लगा सकते हो, यूएसबी सी भी लगा सकते हो, आजकल तो आईफोन में भी यूएसबी सी आने लग गए हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अभी कुछ नहीं करूंगा, इन सॉ ब्लेड्स को मैं लूंगा और सरफेस के ऊपर ऐसे लगा दूंगा। बस डिस्टेंस रेफरेंस के लिए मैंने इनके ऊपर लगा कर रखी है एक एलईडी लाइट मैग्नेट से जो इजीली चिपक जाती है और ये कंप्लीट। अभी मैं पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूं, इस अडैप्टर को कनेक्ट कर देता हूं और पावर सप्लाई ऑन कर देता हूं। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, चलो देखते हैं। ओ माय गॉड फ्रेंड्स ये तो यार चमत्कारी हो गया। आई होप ये अमेजिंग देसी जुगाड़ मैग्नेटिक नियॉन लाइट आईडिया आपको पसंद आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि जो भी मेहनत मैंने इस वीडियो में की है उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।